के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा रखे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जिससे न होने पाए कांवड़ियों को कोई दिक्कत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जल संरक्षण, नल से जल योजना व ODF की प्रगति की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सहजनवा थाना क्षेत्र में युवक की मिली लाश, हत्या की आशंका, मामला प्रेम प्रसंग का। ASP ने कहा एक आरोपी को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ, जल्द होगा घटना का पर्दाफाश। SP ट्रैफिक पर होमगार्ड ने अभद्रता करने का लगाया आरोप, SP ट्रैफिक ने कहा निराधार है आरोप, विभागीय जांच कर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसान फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य ने किया दौरा, जन सुनवाई एवं समीक्षा बैठक कर पुलिस प्रशासन को दिए निर्देश, महिलाओं से संबंधित मामलों पर तुरंत लें एक्शन। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा 6 जुलाई से 11 अगस्त तक सदस्यता अभियान और 15 अगस्त से 31 अगस्त तक सक्रिय सदस्य बनाएगी भाजपा, सीग्रेट के बूथों पर रहेगा विशेष ध्यान। सोमवार के दिन जिला मुख्यालय पर SDM को न्यायिक कार्यों के संपादन की मांग को लेकर DM और कमिश्नर से मिले अधिवक्ता, पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग, मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल की दी चेतावनी। विश्व शांति रैली को SSP ने तिरंगा दिखाकर किया रवाना, कहा 15 देशों से होते हुए सड़क मार्ग द्वारा यात्रा पहुंचेगी लंदन, 15 अगस्त को लंदन में ही फहराएंगे राष्ट्रध्वज। गौ संरक्षण केंद्र एवं अस्थायी गोवंश आश्रम की स्थापना के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक, समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश। राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण, कहा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के लिए आवश्यक है वृक्षारोपण। और ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ लगातार चला रही अभियान, SP ट्रैफिक ने कहा सड़कों से लेकर स्कूलों तक अभियान का दिख रहा है असर।